Hi, good evening all. My name is Namis. Actually, I was suffering from pinonatal sinus since 1 year. Actually, मैंने observe किया कि मुझे एक फुलसी सी है रीढ़ की हड्डी के नीचे. So, I was not aware about the same. मुझे कुछ भी issue नहीं हो रहा था regarding this. ना ही मुझे pain हो रहा था, ना ही चलने में, बैठने में, उठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. बट वो जैसे ही मैं एंटीबायोटिक लेता था या मलहम लगाता था तो उसके बाद सही हो जाता था. बट आफ्टर 15 डेज, 1 मंथ दोबारा से रिक्रिएट हो जाता था. तो ऐसे में मैंने अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए तुरंत एंटीबायोटिक्स लेना, वो लगाना, लेकिन मैंने देखा कि वो कंटिन्यूसली मेरे साथ 3-4 महीने से आ रहा है और जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है. तो फिर मैंने डॉक्टर नेहा मुथा के पास कंसल्टेंट किया और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये पाइनोनेटल सीनस है, जो कि मुझे पहले से ही पता था, लेकिन फिर मैं यहाँ पे आके कंफर्म हो गया. उसके बाद मेरा बहुत अच्छे से सर्जरी हुआ. इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस एंड नाउ यू कैन सी आई हैव रिकवर इन 1 वीक ओनली. एंड ऑल्सो आई कैन गो माई ऑफिस विथ दिस डे. लाइक आफ्टर सर्जरी आई विल विजिट माई ऑफिस 2nd or 3rd डे ओनली. थैंक यू सो मच. यू गाइज आर फेसिंग एनीथिंग रिगार्डिंग सेम, प्लीज visit to the doctor. Don't take it very lightly because this problem can be give you more trouble in life. Thank you so much.